लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी नेता दशरथ भगत ने 1 मई से शुरू हो रहे मेगा कोविड वैक्सीनेशन के लिए नवम्बई में मतदान केंद्र निहाय टीकाकरण केंद्र बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि हर वार्ड में पोलिंग बूथ के अनुसार कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तैयार होता है तो इससे जहां भीड़ घटेगी वहीं नागरिकों को टीकाकरण कराने में आसानी होगी। दशरथ भगत ने मनपा आयुक्त और राज्य सरकार से नवम्बई करों के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने और हर वार्ड में वैक्सीनेशन सेंटर तत्काल स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि कोरोना अब चरम पर है, इसलिए नागरिक चिंतित हैं और जल्द से जल्द टीका लगवाकर खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 1 मई से होने वाले मेगा कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों के बीच बीजेपी नेता दशरथ भगत ने ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज कोरोना अपने चरम पर है, ऐसे में लोग जल्द से जल्द डोज लेना चाहते हैं। लोग कतार में हैं, इसलिए ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की ज़रूरत है। दशरथ भगत ने कहा कि चुनाव में बनने वाले मतदान केंद्रों की तर्ज पर यदि हर वार्ड में वैक्सीनेशन सेंटर तैयार होता है तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी टीकाकरण केंद्रों को परमिशन मिलनी चाहिए ताकि वैक्सीनेशन कार्यक्रम जल्द खत्म हो और लोगों की ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। जो कोरोना का जो प्रकोप है वो प्रकोप अभी चरम सीमा पे है और इस वक्त लोगों की जो चाहत है कि जल्द से जल्द उनको वैक्सीन मिले, वो भी डबल डोज मिले जल्द से जल्द, और इसे लोग बिल्कुल कतार में है। इसलिए जो 1 मई से जो वैक्सीन का जो कार्यक्रम दिया, प्रोग्राम दिया, वो प्रोग्राम के तहत जो मतदार संघ में जो इलेक्शन होते हैं, हमारे आम चुनाव होता है, उस समय हर वार्ड में एक मतदान केंद्र होता है, वो मतदान केंद्र को ही आप वैक्सीन सेंटर में कन्वर्ट कीजिए, वहाँ उधर ही आप मतदान केंद्र में आप वैक्सीन की सुविधा करेंगे। और उसके साथ साथ जो प्राइवेट है, प्राइवेट पे भी जो हॉस्पिटल चाहता है, जो सही है, वो उसके पास मशीनरीज है, अच्छी मशीनरीज है, उनको भी दीजिए, तो ताकि ये वैक्सीन की जो प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम जल्द से जल्द खत्म होके लोगों की जी जीवन रेशा है, जो उसका रोजी रोटी है, वो उसके एक सही मार्ग पे चले और जल्द से जल्द चले। और इसीलिए वैक्सीन की जो केंद्र है, वैक्सीन केंद्र की संख्या है, वैक्सीन की मात्रा है और वैक्सीन की सप्लाई भी, वो सुरक्षित और सही ढंग से होना चाहिए। बताना जरूरी है कि 16 लाख की आबादी वाले नवम्बई में अब तक 4 लाख से अधिक लोग कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जाहिर है मनपा प्रशासन पर यह बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी नेता दशरथ भगत ने कहा कि हम लोक नेता गणेश नाइक के नेतृत्व में लगातार आयुक्त से मिलकर इन्हीं सुविधाओं को पुख्ता करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, अधिकारियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं ताकि नवम्बई करों के लिए उनकी सेवाएं ज्यादा से ज्यादा मिल सकें। दशरथ भगत ने मनपा के कोरोना नियंत्रण प्रयासों की सराहना करते हुए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाने और पर्याप्त वैक्सीन सप्लाई पर भी जोर दिया। उन्होंने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाने में हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। नाइक साहब के साथ हम जब आते हैं, कमिश्नर साहब को हम मिलते हैं, नाइक साहब के हमारा मुद्दा वही होता है हमेशा, नाइक साहब का मुद्दा हमेशा वही होता है कि वैक्सीनेशन पहले कॉरपोरेशन के खर्चा से दे दो, मुफ्त दे दो, ये हमारी पहली मांग है। वो शुरू से मांग की है, गया सारी मांग की है कि वैक्सीनेशन मुफ्त होना चाहिए और ये वैक्सीनेशन सही ढंग से होना चाहिए, जल्द जल्द होना चाहिए, बिना विलंब होना चाहिए। इसीलिए कॉरपोरेशन बिल्कुल यह सही ढंग से काम कर रही है, सक्षम से कर रही है। जब हम आते हैं उनको वहाँ एक मोटिवेशन करने के लिए, उनको बल देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, ताकि प्रशासन और शासन दोनों साथ में चले तो ही लोगों को इस पेंडेमिक में, इस महामारी में लोगों को हम सुविधा दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।